हाँ जी, सो अपनी ऑफलाइन पहला टेस्ट साडा जिहड़ा ज्योग्राफी का मेन्स दे बैच का, इहदी आपां जिहड़ी डिस्कशन शुरू करन जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस टेस्ट असी डिस्कस की करना है कि जिहड़ा असी अज दा टेस्ट लिया है, देखो तो ये अपने रेगूलर टेस्ट होणगे। हुण सब तो पहला आपां मनुखी भूगोल जिन्हों असी ह्यूमन ज्योग्राफी कहने आ, इहदा टेस्ट सीगा। ठीक है, बेशक छोटा जिहा टॉपिक आ, इस ह्यूमन ज्योग्राफी च हुंदा की आ, पॉपूलेशन की आ, सैटलमेंट्स कैवें दियां हुंदियां, बस्तियां कैवें दियां बनदियां, बेसिकली ये सब कुछ मिलके ह्यूमन ज्योग्राफी बनता है। सो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी नाल संबंधित किस तरीके का पेपर आउंदा है, तो जे कई वारी कई बच्चों जिन्हां नूं नहीं सी पता, उन्हां नूं मैं ये दस भी देवां कि ये प्लस टू की क्लास की किताब आ, चाहे तुसीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पिक कर लो ते चाहे तुसीं अपना CBSE बोर्ड। सो ज़्यादा समा खराब नहीं करते, आपां शुरू करते हैं अज्ज दे सवालों की डिस्कशन। 10 सवालों का टेस्ट सीगा, तो इसे तरीके नाल तुहाडे टेस्ट चलते रहणगे। ठीक है, इस तो अगला टेस्ट मैं बकायदा क्लास तो बाद अनाउंस करके जाऊँगा। ठीक है, इस डिस्कशन तो बाद कि अगला टेस्ट आपां अगले मंडे होगा तो वह टेस्ट की होगा। ठीक है, सो क्लास तो बाद मैं जरूर तुहाडे लई क्लीयर कर दूँगा। समा नहीं खराब करते, कहिंदे पॉप दुनिया की आबादी के संदर्भ के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, पहला सवाल यह कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की पॉपूलेशन 1,1500 ईस्वी हुई सी। दूसरी स्टेटमेंट, तकरीबन 60 साल लगे सी पॉपूलेशन 1 बिलियन तो 2 बिलियन तक जाने। हुण असल दे विच NCERT की किताब या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की किताब इन्नी अहम क्यों हो जाती है? दोवें स्टेटमेंटा जिहड़ियां ने वह NCERT की किताब दियां ने। पहली गल ये आ कि टैक्निकली मतलब की आ, पॉपूलेशन अज दे जमाने च बड़ा हॉट मुद्दा बन गया। तकरीबन मेरे हिसाब नाल नवंबर 2022 की गल आ जदों साडी दुनिया की पॉपूलेशन 8 बिलियन पहुँच गई सी। ठीक, यूनाइटेड नेशनज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। तो मैं तुहानूं ये भी गल दसदा कि सब तो मशहूर एक गल सी, 11 जुलाई नूं असीं वर्ल्ड पॉपूलेशन डे मनाउने आ। क्यों मनाउने आ? क्योंकि 11 जुलाई 1987 नूं दुनिया की पॉपूलेशन 5 बिलियन हो गई सी। इसे चीज़ नूं सैलीब्रेट करने लई जां इसे चीज़ नूं चिंता दे तौर ते मनाउण वास्ते असीं 1999 तो 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपूलेशन डे दे तौर ते मनाउण लग पे। वैसे ना जे तुसीं कहोगे पेपरां दे सवाल पिछे, जे किसी ग्रुप बी लैवल दे पेपर च भी यह सवाल आ गया सी कि 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपूलेशन डे मनाया जांदा है बिकॉज, चार ऑप्शनस पता की सी कि 11 जुलाई 1986 नूं दुनिया की आबादी 5 बिलियन हुई सी, 11 जुलाई 1987 नूं, 11 जुलाई 1988 नूं, ते 11 जुलाई 1999 नूं। एवें दे सवाल भी इस सवाल चों निकलदे आ। आ जाओ हुण आपां अपने मुद्दे ते चलदे हां। दुनिया की आबादी तकरीबन 10,000 BC सदी शुरू होने तो 10 साल पहला 5 मिलियन सी, तो फिर 1650 जाके 500 मिलियन होगी, 1804 होगी 1,000 मिलियन, 1927 2,000 मिलियन, 1974 दे विच 4,000 मिलियन, भाव कि 4 बिलियन। हुण मैं इत्थों टैक्निकली एक पॉइंट कढ़दा, 1987 दे विच होगी ये 5 बिलियन, भाव 5,000 मिलियन। मतलब ये कि जे सानू कोई कवे कंसैप्ट देखो, कहिंदा दुनिया की आबादी 1 बिलियन कदों होई सी, दुनिया की आबादी 1 बिलियन 1804 च होई सी, भाव 19वीं सदी के शुरू च 1804, तो पहला सवाल टैक्निकली किन्ना बिल्कुल गलत हो गया। फिर जे कोई मैनू गल कवे कि 2022-2025 इत्थे आबादी होनी सी 8,000 मिलियन, ये फिगर बिल्कुल प्रोजैक्टड आ, पर तुहानू सब नू पता है कि 2025 च होण दी बजाए आबादी कदों कन्वर्ट होगी, 2022 च 3 नवंबर च। सो इस करके आपां नू एक गल तां इह समझ आ गई, पहला ऑप्शन अपना सीधा गलत हो गया। तो अगली गल कहिंदे 1 बिलियन तो 2 बिलियन होना, आ जाओ 1 बिलियन तो 2 बिलियन होण दे विच 1804 तो 1987 सानू 123 साल लगे आ। तो सवाल कह रहा कि सानू 1 बिलियन तो 2 बिलियन होण च जस्ट 60 साल लगे आ, नहीं उस तो भी डबल समा लग्या। सो जे कोई मैनू कहे कि इस ग्राफ चों की सवाल बन सकते हैं, तुहाडे सामने आ हर एक सवाल जिहड़ा है उस चों बन सकता है। इस ग्राफ नू समझो कि 2025 च प्रोजैक्ट किया गया सी कि साडी आबादी 8 बिलियन हो जूगी, वह नवंबर 2022 च होगी। पहली बार दुनिया की आबादी 1 बिलियन 1800
चार च होई सी ते हुण आ सारे दे सारे अंकड़े आपां तुहाडे सामने पेश करते हैं। सो पहला सवाल पॉपुलेशन रिलेटेड हर सवाल कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों सैलीब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन 1987 च आबादी 5 बिलियन हुई सी ते 5 बिलियन तो अज असी 2022 तक पहुँचते नवंबर 2022 तक, तो हुण तां असी 2023 च नवंबर 2022 तक पहुँचते आबादी 8 बिलियन हो गई सी। सो टैक्निकली समझ आ गया सारा कुछ। अगे आ गया जी अगला सवाल, क्योंकि ओबियस जी गल आ पॉपुलेशन डिवेलपमेंट ग्रोथ तो ये नाल रिलेटड सारे संदर्भ च सवाल जिहड़े आ वो अपने इस टेस्ट च पुछे जाणगे। अगला सवाल आ गया कि भारत दीआं स्टेट यूटीज़ नूं पॉपुलेशन डेंसिटी दे विच लाओ, ठीक आ, बिहार वैसट बंगाल यूपी ते आंध्र अरुणाचल प्रदेश। देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल आ, जे तुसीं ह्यूमन जोग्राफी पढ़ रहे हो ते जे बाई चांस पेपर च मैनशनड आ कि तुहाडे पेपर च ह्यूमन जोग्राफी आनी आ, इट मीनस श्योर आ कि जिहड़े साल तुसीं पेपर दे रहे हो उस साल तो पहलां वाला जिहड़ा भी जनगणना जां जिहनूं आपां मर्दशुमारी कहिंदे आ सेंसस कहिंदे आ उह तुहानूं पता होना चाहीदा है। तुहानूं उस सेंसस दे मुताबक देश की पॉपुलेशन डेंसिटी भाव कि जनसंख्या की घनता, देश की पॉपुलेशन ते देश दे साइज ऑफ द बेसिकली स्टेट्स स्टेट साइज वाइज स्टेट पता होनी चाहिए कि केदा एरिया ज़्यादा कितने पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो आप गल पता लग गई तो बहुत हद तक तो सूँ एक गल क्लीयर होगी कि जो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर चलाना है सब तो वध आबादी जी है। पहली गल समझ की कोशिश करो आबादी के वध होने के कारण की ने, आबादी के वध होने के कारण वैसे तो देखो मोटे तौर पर कोई कह दे अनपढ़ता कि लोग पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करते, इदा का कुछ नहीं गा। आबादी के वधन का सब तो मुख्य कारण होंगे एक प्लेन फर्टाइल एरिया ते एक रहन योग क्लाइमेट जलवायु ते एक प्लेन फर्टाइल एरिया तां ते पानी की अवेलेबिलिटी, ये सारिया चीज़ां भारत के यूपी ते बिहार नू बिल्कुल फिट ने, क्योंकि गंगा यमुना का पूरे का पूरा एक दबाव आ, ठीक आ, लैंड फर्टाइल आ। ते तीसरी गल क्लाइमेट बिल्कुल सही आ, पानी दी जरूर पानी सब तो वड्डी जरूरत हुंदी आ, पानी दी अवेलेबिलिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी होगी। सो सानू सब तो वध पॉपुलेशन डेंसिटी साडी जिहड़ी आ बिहार च आपां कैलकुले देख भी लैंदे आ कि पॉपुलेशन डेंसिटी है किन्नी आ। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सब तो वध आ 1102, दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन डेंसिटी हैगी आ बंगाल की, तीसरे नंबर पर पॉपुलेशन डेंसिटी हैगी आ यूपी की। एटलीस्ट आ तीन स्टेटा की पॉपुलेशन डेंसिटी तो सानू पता होनी चाहिए है, अरुणाचल वर्गिया स्टेटा जड़िया ने बिल्कुल लास्ट च ने, सो आपू ऑप्शन बहुत आसानी पता लग गई। नैक्सट तीसरा सवाल अपने को आ गया, कहिंदा रूरल सैटलमेंट्स के संदर्भ च सवाल आए, तुहानू मैं पहले ही दस्या सी कि बस्तियां पेंडू बस्तियां के संदर्भ च जे तुसीं कहोगे कि सर असीं ह्यूमन जोग्राफी पढ़ रहे हैं तो सानू सैटलमेंट्स का टॉपिक नहीं आता तो माड़ी गल। ह्यूमन जोग्राफी सैटलमेंट्स बहुत मैटर कर दी हैं कि जिमें जे कोई मान लो कोई योजा शहर आ जिहड़ा टी पॉइंट ते वसिया होया है तो उत्थे टी शेप की सैटलमेंट हो जाती है, कित्थे क्रॉस सैटलमेंट योजे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। जे अजे भी तैयारी कर रहे हो तो तुहानू लगता कि तुसीं ह्यूमन जोग्राफी छड्डी बैठे हो तो प्लस टू की किताब इहनू कवर कर लो। आ जाओ कहिंदा कलस्टर्ड सैटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन एलूवियल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हुण देखो दूजी गल आ गई, सैमी कलस्टर्ड सैटलमेंट्स आर वाइडली प्रेजेंट इन गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। हुण देखो सब तो पहली गल आ गई कि कलस्टर्ड सैटलमेंट्स की होंदियां ने, पहला आप थोड़ा जा इहदे ते देख लीए। कलस्टर्ड सैटलमेंट का मतलब हुंदा जिथे बस्तियां कट्ठ च होण, ठीक आ, ते कट्ठ च बस्तियां होण दी सब तो वड्डी निशानी की है, दो तीन कारण होंदे आ कट्ठ च बस्तियां, एक कट्ठ च जदों लोग बस्ती बना के रहिंदे आ एक तो प्लेन एरिया हुंदा है, ठीक आ, प्लेन एरिए च लोगों की कोशिश ये हुंदी है कि वह बड़े आराम नाल कट्ठ च बस्तियां बना के रहणगे। सो कलस्टर्ड सैटलमेंट च सब तो पहली गल ये आ गई कि नॉर्थ एरी नॉर्थ इंडिया के प्लेन जिहड़े आ बड़े फर्टाइल आ ते जां इहो जिहियां चीज़ां तुहानूं नॉर्थ ईस्ट च मिलणगियां। उत्थे इस उहदा उत्थे इस चीज़ का बेसिकली कारण यह हो गया क्योंकि उत्थे जंगली एरिया है ते जंगली एरिए च कलस्टर्ड कलस्टर बना के कट्ठ बना के लोग पिंडां च तां रहिंदे आ क्योंकि नेड़े तेड़े बहुत ज़्यादा डेंस फॉरैसट होण करके जां जंगल बहुत संघने होण करके उहनां नूं सिक्योरिटी दे परपस च कट्ठ च रहना पैंदा है। जे आपां गल करिए कि भारत दे विच कलस्टर्ड तुहानूं
विलेजिज पिंड बस ज सैटलमेंट्स कलस्टर्ड कठ के बस्तियां कितने मिलनगियां तो तुहानू जां तां मिलनगियां वो स्पैशली उन्हां एरियाज जिथे आले दुआले किसी भी तरीके की थ्रैट परसैप्शन आ जां जिथे आले दुआले कोई खतरा है तो जिहड़ा प्लेन एरिया है प्लेन एरियाज दे विच बहुत वड्डे हद च लोग एक जमावड़ा पिंड बना के शह जां छोटा जिहा कस्बा बना के रहना पसंद करते हैं सैमी कलस्टर्ड उत्थे बनते हैं जिथे फैसिलिटीज़ की थोड़ी जी कमी होवे ते तुहानू पता है कि तुसी पानी ते निर्भर हो ते इक्को जगह ते पानी नहीं मिलता उदाहरण के तौर पर राजस्थान राजस्थान च इक्को जगह ते तुहानू पानी दा पानी इकट्ठा नहीं मिलेगा इट मीनस जे तुसी बहुत वड्डा पिंड बना के रहोगे तो पूरे पिंड दीआं जरूरतां एक पानी इक्को जगह ते पानी दीआं नहीं इकट्ठा होणगीआं उत्थे तुहानू जिहड़ी आबादी आ उह सैमी कलस्टर्ड थोड़ी थोड़ी स्कैटर्ड मिलेगी सैमी कलस्टर्ड सानू हमेशा मिलते हैं कित्थे कहिंदा सैमी कलस्टर्ड सैटलमेंट्स सानू हमेशा गुजरात ते राजस्थान च बिकॉज दोवें जगह ते वाटर स्कैरसिटी पानी की कमी है ते सानू कलस्टर्ड सैटलमेंट्स ज़्यादातर फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स च मिलदियां है वजह बिकॉज उत्थे लोग जिहड़े आ उह यूनिटी करके जां अपनी भाईचारक सांझ करके ते नॉर्थ ईस्ट इंडिया च उत्तर पूर्वी राज्यां दे विच सिक्योरिटी दे कारण करके सो कलस्टर्ड सैटलमेंट सैमी कलस्टर्ड सैटलमेंट नूं लैके जे कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो प्लीज़ दूर कर लियो चलिए आपां अगे नैक्सट आंसर आ गया बोथ वन एंड टू अगला सवाल अपने कोल आ गया ह्यूमन डिवेलपमेंट मनुखी विकास सूचकांक तुसी अक्सर पढ़ते हो कि यूनाइटेड नेशनज वाले एक सूचकांक रिलीज़ करते हैं ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स सवाल की आ कहिंदे इस ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स नूं एक इकनोमिस्ट सीगा जॉन नैश उन्हें 1990 च क्रिएट करिया सीगा मतलब उहदे दिमाग दी उपज आ जे तुसी ह्यूमन डिवेलपमेंट बारे चार गल्लां भी सुनियां होणगियां तुहानू पता कि ये दिमाग की उपज आ पाकिस्तान दे फाइनांस मिनिस्टर रह चुके महबूबुल हक ते तैयार करन दे विच रोल सीगा अमर्त्या सेन दा जो भारतीय अर्थव्यवस्था शास्त्री सीगे इन्हां दोवां नूं 1997 दा नोबल प्राइज़ मिले ही इस करके सीगा कि उन्होंने इस शब्द नूं कॉइन करन तो बाद यूनाइटेड नेशनज़ नूं डिवेलपमेंट इंडैक्स बना के भी दिता ते समझदारी बहुत दिखाई इन्हां ने कहा कि एक तो किसी भी देश का लिविंग स्टैंडर्ड एक किसी भी पर कैपिटा इनकम तो पता लग जाता है उस देश की एजुकेशन उतों के बच्चे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग औसतन किन्ने साल स्कूल गए आ ते किन्ने साल तक दे उत्थे स्कूल आ उन्नू कहिंदे आ एक्सपैक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग उम्मीद के मुताबिक किन्ने सालों का स्कूल तक की पढ़ाई उत्थे एग्जिस्ट करती है ते बच्चे जाते दोवां दी एवरेज कढ लो तीसरी चीज़ उन्हें दस्या सी हैल्थ जिहड़ी कि बच्चों की मोरटैलिटी वगैरह तो पता लगती है तिना गुणा करके उदा घनमूल क्यूब रूट कढ़ दो कहिंदा इत्थों तुहानू उन्हां दा इंडैक्स पता लगेगा तिना जोड़ के तीन नाल डिवाइड करके अर्थमैटिक मीन नहीं कढ़िया बिकॉज उहदे च बहुत सारिया कमियां आ जांदियां ये मैं पढ़ाईया भी होईयां तुहानू डिटेल्ड क्लास च खैर कहिंदे ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट जिहड़ी आ इहनू यूनाइटेड नेशनज दा डिवेलपमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम वो दिंदा है बिल्कुल सही गल पढ़ाया भी होया मैं 1990 तो यह रिपोर्ट आ भी रही है ये भी पढ़ाया होया पर इनू कॉइन करन वाला शख्स महबूबुल हक ते सपोर्ट करन वाला अमर्त्या सेन आ तीसरी गल कहिंदे देश जिन्हां दा बहुत ज़्यादा इंडैक्स वधिया हुंदा उन्हां दी HDI वैल्यू 0.600 तो वध हुंदी है इत्थे आके आपां मार खा गए बिकॉज चार कैटेगरीज़ दे विच देश वंडे जांदे आ 0.699 आ जाओ कहिंदे सब तो वधिया ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स जिहड़े ने उह देश ने जिन्हां दी HDI वैल्यू 0.800 तो वध आ तुहानू सब नूं पता है कि घट्टो घट वैल्यू 0 हुंदी आ घट्टो घट वैल्यू 0 हुंदी आ ते वध तो वध वैल्यू किन्नी हुंदी आ 1 HDI दी वैल्यू 0 तो लैके 1 दे विच लाई करदी आ जिन्हां देशां दी वैल्यू 0.8 तो वध आ ओ वैरी गुड HDI जिन्हां दी 0.7 तो 0.7999 आ HDI हाई 0.550 तो 0.699 आ मीडियम ते 0.549 तो आ तां लो सो ए चार कैटेगरीज़ दे विच देश वंडे जांदे आ ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स जो लेटेस्ट आया है वह 2022 वाला है ते मैं जानकारी दे दां 2022 वाले दी वैल्यू 2023 दे एंड च आउंदी आ ते 23 वाले दी वैल्यू 24 दे एंड च आऊगी ठीक है सो 23 दे अद्ध च सॉरी मैनू लगता हुण 22 वाला चल रहा है ते 23 दे अद्ध च उहदी वैल्यू आ चुकी सी HDI दी करंट वैल्यू जिहड़ी आ तुहानू पता होनी चाहीदी है अगे गल कहिंदा किसी भी खेत्र च जां किसी भी इलाके च जनसंख्या दे बदल च किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां निर्धारित करदियां है बर्थ डैथ बीमारियां मोबिलिटी ते माइग्रेशन
ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹੀ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਖੇਤੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਆਪਾਂ। ਡੈਥ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਭਲਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਜਸਟਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਬ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਰੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆ, ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂਗੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਰੀਜਨਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਰੀਜਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਸ਼ੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਰੂਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਨ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੈਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਐਟ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡਸ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਐਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਈ, ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਐਵੇਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਵੈਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘਰ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 90% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੜਕਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਊਸੀਫੋਰਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ PPSC ਅਤੇ UPSC ਦਾ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਟੋਪਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟਰਮ ਆ, ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਗਰੋਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੋਥ 'ਚ ਫਰਕ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ HDI ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, HGI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧਾ,
मुल निरपक्ष है ते ओ सकारात्मक ते नकारात्मक भाव कि पॉजिटिव ते नैगेटिव कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ मीनस वाधा ते डिवेलपमेंट मीनस विकास। तीसरी चीज आबादी का वाधा जिहड़ा है वह हमेशा तरक्की वल जां विकास वल नहीं लैके जाता। आबादी का वाधा हमेशा विकास वल नहीं लैके जाता। ये गल सही है कि गलत आ? बिल्कुल सही है। कि कभी सोचे आपां कि पॉपुलेशन ग्रोथ कदे कदे डिवेलपमेंट वल लैके जाती है? इज़ इट पॉसीबल? चलो पॉपुलेशन ग्रोथ मे लीड टू डिवेलपमेंट, मैं एवें लिखदा कि आबादी का वाधा भी विकास का प्रतीक हो सकता है। फिर यह सही गल है कि नहीं? फिर भी सही है। किसी हद तक आबादी का वाधा विकास वल लैके जाता है। क्यों? जे किसी देश दे विच बहुत सारे लोग बीमारियां नाल ही मरते हो तो उस देश की आबादी वध सकती है? नहीं। किसी देश की आबादी का वाधा किसी पद्धर तक ये जरूर दसदा कि यह देश विकास कर रहा है। क्यों? एक तो जी इन्हां दीआं हैल्थ सर्विसिज सही हो रही तो ही इस देश की आबादी वध रही है। एक लिमिट तो बाद जाके, एक हद तो बाहर जाके आबादी च हो रहा वाधा बेड़ा गर्क करन लग पैंदा है। फिर मैं कह सकता कि नाओ पॉपुलेशन ग्रोथ डिवेलपमेंट जिहड़ी आ वो नैगेटिवली इंपैक्ट हो रही है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। एक हद तो बाद जाके मैं कह रहा कि विकास वास्ते आबादी का बढ़ना संकट पैदा कर रहा है उन्हों सपोर्ट करने की बजाय। समझ आ गई गल? सो ये भी गल अपने आप बिल्कुल की होगी, सही होगी। 1, 2, and 3। सो जे असी ह्यूमन जोग्राफी मनुखी भूगोल पढ़ रहे हैं तो तुहानू ये भी समझ आ गया होना कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं तुहाडे जानकारी लिए एक गल होर दसदा, तुसी आप जदों मेन्स की तैयारी कर रहे हो ना, एक चैप्टर अजिहा है जिन्हों मैं इकनोमिक्स पढ़ाउणा है, वह इकनोमिक्स दे विच अगला ही चैप्टर आने वाला साडा। इकनोमिक्स दे विच वो चैप्टर बड़ी जल्दी आऊगा। उस चैप्टर नू मैं बड़ी चलाकी नाल इकनोमिक्स दे विच तां रखना ही रखना है, उस चैप्टर नू मैं ह्यूमन डिवेलप ह्यूमन जोग्राफी भी फिट कर देना है। वजह, उस चैप्टर का नाम आ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, जिस इनकलूसिव ग्रोथ पॉपुलेशन सेंसस। असल दे विच जे मैं उन्हूं जोग्राफी पढ़ाउंदा तां इकनोमिक्स छड्डना पैंदा, इकनोमिक्स पढ़ाउंदा तां ह्यूमन जोग्राफी छड्डना पैंदा। इस करके वह टैक्नीकली इहो जिहा चैप्टर आ जिहड़ा ओवरलैप करेगा। उन्हूं इकनोमिक्स पढ़ाउणा भी जरूरी है तो उन्हूं ह्यूमन जोग्राफी तो डबल पढ़ाउणा बेवकूफ़ी है। सो वो चैप्टर करन तो बाद तुहानू सेंसस ते ह्यूम आ सारे फैक्ट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो तुहाडे दिमाग च आऊगा सर सीधे तौर पर आपां सेंसस नाल संबंधित सवाल करे नहीं होए, पर वो चैप्टर तुहाडियां सारियां डाउट्स क्लीयर कर दूगा। उन्हूं करांगे इकनोमिक्स च ते वो एडवांटेज दूगा दो पक्ष तो, एक इकनोमिक्स दे विच भी सेंसस ते ह्यूमन डिवेलपमेंट ते टाइप चीज़ां आउंदियां, एक जोग्राफीज दी ह्यूमन जोग्राफीज तो आउंदियां ही आउंदियां। आ दसो जी सवाल क्लीयर हो गया? नैक्सट ते ए चीज़ आपां श्योर करांगे कि अपने ना कंसैप्ट च क्वालिटी च कॉम्प्रोमाइज़ ना होवे। इस करके बेशक आपां 10 सवाल करांगे पर मैं वह 10 दे 10 सवाल जिहड़े आ ना वह एवें कोशिश करूँगा कि भावें मेरा एटमोसफेयर चो एक ही सवाल बने तो मैं एक ही पाऊँगा। बस मैं 10 सवालों च पूरी क्लाइमेटोलॉजी कवर करनी होगी। 10 सवालों तो वध क्यों? क्योंकि जे आपां सवालों की गिणती 15 करांगे फिर मैं उन्नी खुल के एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। खुला टाइम होगा अपने को, जिमें सपोज करो कि अपनी ए वी क्लास आ हाँ 28 मिनट की आ, तो 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी डिस्कशन कवर हो जाए तो कोई माड़ी गल नहीं। सो 10 सवाल 30 मिनट एटलीस्ट, किन्ने जगह तो क्वेश्चन मार्क छड़ते कि यार आहाडा सैटलमेंट्स रह गई, तुसी आ भी जाके अपनी किताब चो खोलो आ भी करो, इहदे नाल तुहाडी ही तैयारी जिहड़ी आ फिनिशिंग वधिया। ते एक गल होर, मैं तुहानू सारिआं नू एक साफ सलाह दे दां सारिआं नू जिहड़े भी ऑनलाइन बैठे आ स्टूडेंट्स, ठीक आ, ते मैं ये गल क्लीयर करदा कि जिद्दण टैसट हुंदा है ते तकरीबन हुण हर मंडे टैसट होना ही होना है। अगला टैसट मैं अनाउंस करता क्लाइमेटोलॉजी का, जिहड़ा जिद्दण टैसट होया टैसट तो एक दिन बाद तक उस चैप्टर सबजैक्ट नू कंप्लीट करो, क्योंकि जिहड़ियां कमियां ने उन्हां नू अज भी कवर करो ते अज तो बाद कल भी कवर करो, फिर अगले दिन तो जाके अपना जिहड़ा टारगेट अगला हफ्ते वाला उन्हूं पूरा करो, ठीक है। ये सब तो वधिया बहाना हो जूगा तुहाडी तैयारी का। सो एक बहुत तुसीं वध तो वध अपने टैसट च इंट्रस्ट शो करो, ठीक है। जिहड़े तुसीं नंबर शेयर करोगे मेरे नाल वो मेरे नाल परसनली शेयर कर दो, मैनूं परसनली वट्सएप कर दो तुहाडे वाले नंबर तो कि मेरे इन्ने नंबर आए आ, उहदे ते ही मैं रिव्यू दे दूंगा तुहानूं कि की अगले की करना चाहिए, ठीक ने जां गलत ने जां की कमी रह गई, ठीक है।
तो थोड़ा जा अलैबरेट मैं ये जरूर कर दौ वट्सएप कि जोड़ा तो सवाल गलत हो किड़े हुए आ उतों मैं ज़्यादा आइडिया ला दूंगा कि ताकि तैयारी वधिया सी कि नहीं सी। ठीक है तो खैर केंद्र जदों आप पॉपूलेशन के पिरामिड बारे पढ़ते हैं तो हेठ लिखिया चो कि चीज़ पॉपूलेशन पिरामिड बारे च नज़र आती है बर्थ रेट सैक्स इंडीकेटर डैथ रेट एज ग्रुप। मैनू नहीं पता कि तुसी पिरामिड वाला चैप्टर पढ़िया कि नहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट आ अक्सर तुसी देखिया होना कि किसी देश का उहदा पॉपूलेशन का पिरामिड एवें का हुंदा है। ठीक है किसी देश का पॉपूलेशन का पिरामिड एवें का हुंदा है याद आ पढ़े हुए आप पिरामिड्स तो ये असी की देखते होंगे इस तरीके सेंटर च लैन वजी होंगी है इस पासे एज ग्रुप हुंदा है 0 तो लैके 10 साल 11 तो लैके 20 साल 21 तो लैके 80 साल 91 तो लैके 100 साल तो इधरले पासे बने होंगे मेल मर्द तो इधर फीमेल भाव औरतां आही हुंदा तुहाडा पिरामिड। तो मैनू लगता मैं थल्ले फोटो जरूर लाई होगी किसी पिरामिड की नहीं स्किप होगी। ठीक है तो जे आप फोटो हाँ फोटो फोटो मिस होगी अपने को पर मैं लगता कोई बहुत गल ही नहीं क्लीयर ही करता इधरले पासे एक रंग हुंदा उहदे च मेल लिखा हुंदा इधरले पासे दूजा रंग हुंदा उहदे च फीमेल लिखा हुंदा तुसी आप देखो वो ये प्रतीत करा रहे होंगे कि 0 तो 10 साल तक कले इन्ने मेल आ इन्ने फीमेल आ 90 तो 100 साल तक दे इन्ने क मेल आ इन्ने क फीमेल आ मतलब घट गए इहदा मतलब एक देश दे विच बच्चों की आबादी तो बहुत आ पर जिमें जिमें असी बजुर्गों वाल जा रहे हैं उस देश की आबादी घट रही है। ठीक है बजुर्ग उस देश बहुत घट ने मैं ये नहीं पूछा कि योजा ग्राफ किहड़े देश का अजक तो योजे सवाल भी आ रहे हैं ग्राफ दे के कहे दसो ये जापान का आस्ट्रेलिया का तो ग्राफ किहड़े यूज़ करते जे NCERT ने उन्हों तो आप सवाल चक रहे हैं मेरा मकसद सिर्फ ये आ मैं सवाल की पूछा मेरा सवाल यह आ कि बई इस पॉपूलेशन पिरामिड तो तुहानू की पता इस पॉपूलेशन पिरामिड ते केड़ी केड़ी चीज़ डिस्प्ले हुई हुंदी है दसो कि इहदे ते बर्थ रेट डिस्प्ले होया हुंदा कि नहीं बर्थ रेट कट दो फिर नहीं कि सैक्स इंडीकेटर मर्द जां औरत है कि ये पता लग रहा हुंदा इहदे ते एग्जैक्टली पता लग रहा हुंदा लाओ टिक कि डैथ रेट बारे दस्या हुंदा इहदे ते नहीं कि एज ग्रुप मैंशन हुंदा इहदे ते एग्जैक्टली कि 10 तो 20 साल 21 तो 30 साल 31 तो 40 साल 41 तो 50 साल हुंदा ना आ लो जी इट मीनस 2 और 4 इस तरीके दे सवाल। सो ये हो गया अगला सवाल आ जाओ जी लास्ट वाला सवाल कहिंदे पॉपूलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनता दे मामले च असी देशों नहीं कॉन्टीनेंट्स अरेंज करना है कि सब तो वध पॉपूलेशन डेंसिटी केदी आ जा केदी नहीं देखो एडा सौखा सवाल सीगा बहुत आसान सवाल आ देखते दे सारी आइडिया लग जूगा सब तो वध पॉपूलेशन डेंसिटी केदी होनी चाहिए है एशिया की बिकॉज एशिया ते अफ्रीका आपस च स्ट्रगल च ने ते मैनू लगता जे मैं गलत नहीं अफ्रीका पहले ते आ ते एशिया दूजे ते आ फिर भी वाइस वर्सा आपां चैक कर लांगे एशिया ते अफ्रीका च फस्ट ते सैकेंड वाली टसल आ हुण गल करदे आ यूरोप ते नॉर्थ अमेरिका इहदे च पॉपूलेशन डेंसिटी किहदी ज़्यादा होनी चाहिए है यूरोप की वजह क्योंकि नॉर्थ अमेरिका च बहुत वड्डा खुला एरिया कनेडा का है कनेडा बहुत वड्डा एरिया है नॉर्थ अमेरिका च तीन ही तो देश ने उपरले पासे अमेरिका का एक छोटा जिहा हिस्सा है अलास्का वह भी तकरीबन खाली है वो एक पासे नॉर्थ अमेरिका है वह तकरीबन बहुत वड्डा हिस्सा वह खाली है तो बचा एक तीसरा हिस्सा अपने को अमेरिका तो मैक्सीको वो मैं मान सकता कि पॉपूलेशन के मामले च मैक्सीको सब तो ज़्यादा डेंस आ वजह बिकॉज इक्वेटर के नेड़े आ गया तो रहने के लायक हालात है जिन्ना तुसी टूंडरा टाइगा वैजीटेशन वाल चले जाओगे हुण ये ना कह दिओ टूंडरा टाइगा पता नहीं क्लाइमेटोलॉजी का टैसट देना आप अगला जदों आप बिल्कुल पोल्स के नेड़े चले जाएंगे ट्रैप हो जाएंगे आप उत्थे आपां पता पॉपूलेशन डेंसिटी नहीं गी सो जिहड़ा कॉन्टीनेंट ही उस इलाके चा इहदी पॉपूलेशन डेंसिटी सब तो घट होनी चाहिए है। सो आंसर तो तुहानूं पता लग ही गया मोटे तौर पर एशिया की पॉपूलेशन डेंसिटी सब तो वध 144 अफ्रीका दूजे नंबर पर आ 42 बहुत फर्क आ सॉरी असल च अफ्रीका दे विच ज़्यादा इंपैक्ट किहदे करके आ पॉपूलेशन डेंसिटी घट क्यों आ एक तो बहुत वड्डा एरिया सहारा डेजर्ट के अंडर आ जाता है तो उस तो बाद बहुत वड्डा एरिया अंदर जंगलों का आ जाता है ट्राइब्स रहिंदियां जिथे तो उन्हां दी पॉपूलेशन डेंसिटी रैलेटिवली वैसे ही घट होंदी आ क्योंकि ट्राइब्स के मामले दे विच हैल्थ इशूज़ बहुत ने बहुत बच्चे उन्हां दे बच मर जन्म हुंदा है तो बहुत ज़्यादा मरते भी है। सो दूजे नंबर पर पॉपूलेशन डेंसिटी अफ्रीका की है तीजे नंबर पर यूरोप की है चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका की है पंजवें नंबर पर नॉर्थ अमेरिका तो फिर ओशेनिया पैसिफिक ओशियन के छोटे छोटे आईलैंड्स के जोड़ा समूह आनू ओशेनिया कहा जाता है उतों की पॉपूलेशन डेंसिटी सब तो लास्ट कंसीडर किया गया है। ठीक है ये 10 सवालों का अपना टैसट से ह्यूमन जोग्राफी संबंधित सो नैक्सट
टेस्ट जिहड़ा होगा अपना वो अपना क्लाइमेटोलॉजी का है। ठीक है, सो तुसी प्लीज़ नैक्सट मंडे अपना टेस्ट का फॉरमैट उही रहूगा, क्लास शुरू होने तो पहला टेस्ट तुहाडे नाल शेयर हो जूगा, फिर अद्धे घंटे की टेस्ट डिस्कशन, तो उस तो बाद अपनी रेगुलर क्लास। सो ज़्यादा समा वेस्ट करे बिना आप हुण शुरू करांगे अपनी क्लास। सो अज लई इन्ना ही बहुत आ, मिलदे हां 2 मिनट तक।